तो दोस्तों ये देखिए मंदिर की सजावट चल रही है और कुछ ही घंटों में मंदिर को सजा दिया जाएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल बाबा के दरबार को सजाने के लिए लाए गए हैं। ये बाबा के दरबार का जो दरवाजा है, गेट है, जो मुख्य गेट, इसके दर्शन कर रहे हैं अभी आप। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से बाबा के दरबार को सजाया जा रहा है। बाबा के मंदिर को एक नई लुक प्रदान की जाएगी और कल सुबह 7 बजे बाबा के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं वो 9 तारीख सुबह के दर्शन हैं, ये बाबा के मुख्य मंदिर के। और ये चारों तरफ का दृश्य है सुबह सुबह का, बर्फीली चोटियों से कैसे बर्फ से ढका हुआ है बाबा का धाम। तो दोस्तों जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ओमकार का सिंबल बना हुआ है और ये प्लेटफॉर्म था जहां से हम पुराना रास्ता आता था केदारनाथ मंदिर के लिए। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि जो कि केदारनाथ मंदिर को जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते थे वो पुराना रास्ता यही है जो कि कितने वर्षों से बना हुआ था और श्रद्धालु इससे दर्शन करते थे। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि फर्स्ट टाइम होगा केदारनाथ में। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन हम आपको पहले इस पुराने रास्ते के दर्शन कराते हैं जिससे श्रद्धालु दर्शन करते थे। तो चलिए दोस्तों आपको ये रास्ता दिखाते हुए मंदिर तक ले के चलते हैं। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और अभी आप इस रास्ते की हालत देख सकते हैं, कुछ वर्षों पहले इसी को नया बनाया गया था, नई एक रूपरेखा दी गई थी, लेकिन अब आज 9 मई सुबह के ये आप चित्र देख रहे हैं इस वीडियो में, तो क्या हालत हुई पड़ी है, बहुत जर्जर हालत में ये रास्ता है। और इस रास्ते को इस बार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं जगह जगह मलबा पसरा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। लेबर अपना काम कर रही है, बड़े बड़े पत्थर। पानी की धार बह रही है बीच में से। देखिए रास्ते पे काम चल रहा है, ट्रैक्टर, जेसीबी, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। और ये देखिए मंदिर का दर्शन है। अभी कुछ दुकानों को छोड़ दें तो यहाँ यात्रियों के रुकने
और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, ये पुराना सीढ़ियों वाला मार्ग है। ये देखिए, बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। नव निर्माण का कार्य चल रहा है। यात्रा कल शुरू हो जाएगी। आज गौरीकुंड से पालकी केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर। यहाँ पर भी सफाई का काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, मंदिर को सजाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम मंदिर से चल पड़े हैं उस रास्ते की तरफ जिससे कि अब की बार श्रद्धालु दर्शन करेंगे, जहां से लाइनें लगेंगी और जो कि अब की बार फर्स्ट टाइम यूज होने वाला रास्ता होगा। इससे पहले कभी भी केदारनाथ यात्रा पे ये रास्ता यूज नहीं हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु सीधे यहाँ से दर्शन कर पाएंगे, अलग से लाइनें लगेंगी, पुराने उससे रास्ते से कोई दर्शन नहीं होंगे। यहाँ मंदिर कमेटी ने बोला है कि नए दरवाजे और नए रास्ते से ही दर्शन किए जाएंगे। ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और ये ग्रिलें खाली दर्शन के लिए ही लगाई गई हैं स्पेशली। और जी, ये आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, ये स्पेशली रास्ता बनाया गया है दर्शन के लिए। जो श्रद्धालुगण लाइनों में लगेंगे उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ अलग अलग लाइनें होंगी, एक लाइन इस तरफ है, एक ये सेंटर वाली लाइन है और एक लाइन इस तरफ है और ये सीधी जो बैक साइड में जाएगी, जो कि ये निर्माण है जहाँ बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग की और मंदिर की बैक साइड से दर्शन कराए जाएंगे। तो अब की बार कुछ नया होने जा रहा है केदारनाथ धाम में। ये आप देखिए, लाइट का भी विशेष प्रबंध किया गया है, ऊपर से बारिश से बचने के लिए, स्नो होती है तो उससे बचने के लिए और ठंड से बचाव हो सके, इस हिसाब से पूरी तैयारियां की गई हैं। तो ये है नया रास्ता जो कि जाएगा सीधा डायरेक्ट मंदिर तक। ये देखिए, सामने ही इसको क्रॉस करते ही सीधा मंदिर में, लाइनों के द्वारा मंदिर में यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये यहाँ से अभी काम चल रहा है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ महीनों में इस काम को पूर्ण अंजाम दे दिया जाएगा। ये आपने नया रास्ता देखा, इसी रास्ते से अब की बार दर्शन होंगे केदारनाथ के जो भक्त आएंगे उन सभी के। और आपको अभी
दर्शन कराते हैं नीचे गंगा के, पतित पावनी माँ गंगा। और अभी श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता बनाया गया है टेम्परेरी। और ये नीचे माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं आप, जो कि ऊपर ग्लेशियर से, पहाड़ों से आ रही हैं। और ये रास्ता है जो कि आपको दर्शनों के लिए मंदिर तक ले जाएगा। अभी श्रद्धालुओं के लिए पुराने, ये जो नया रास्ता बनाया जा रहा है, इस रास्ते पे अभी काम चल रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो रास्ता अभी टेम्परेरी तैयार किया गया है, क्योंकि 10 तारीख से बाबा के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो तब तक कुछ समय के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल होगा दर्शनों के लिए। ये आप पीछे देख रहे हैं, और साइड से माँ गंगा के दर्शन। इनके जल की आवाज आप सुन सकते हैं। और इधर आप मशीनों की भी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए काम चल रहा है अभी।